चलिए जनाब, खबर का पिटारा खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, क्योंकि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में शब मीलाद की तकरीबात नहायती अकीदत और एहतराम के साथ पूरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के अंदर मनाई गई है। इस सिलसिले में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद हुआ है। सबसे बड़ा इज्तिमा जम्मू कश्मीर में शबखानी की सबसे बड़ी मजलिस जो है वो दरगाह हजरत वल श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुई, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। दरगाह हजरत वल में रात भर हजारों अकीदतमंदों ने शबखानी में शिरकत की और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते हुए सरबसजूद रहते हुए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। शबाना सर्दी शुरू होने के बावजूद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाब में रूह परवर मजालिसों का एहतमाम किया गया और पूरी रात जहां शबखानी दुरूद अज़कार की महफिलों का आरास्ता किया गया, वहीं पर आज मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से इंतहाई अहम तकरीब दरगाह हजरत बल श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होगी, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग नमाज जुम्मा में शिरकत करेंगे। इस मौके पर आज सुबह से ही पंचगाना नमाजों पर मोए मुकद्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निशानदेही भी कराई जाएगी। इधर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से सबसे बड़ी तकरीब जहां दरगाह हजरत बल श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुई, वहीं पर जनाब साहब सोरा शहरी कलाशपोरा मकामा बीरवा खिरम सिरहामा और दीगर मकामात से भी इसी तरीके के इज्तिमात के होने का खबरें सामने आ रही है। इधर जायरीन की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ इदारों और अंजुमनों की तरफ से लंगर का भी एहतमाम किया गया था और आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तकरीब सईद का एहतमाम किया जा रहा है। इधर आज जहां मीलाद के जुलूस बरामद किए जाएंगे और सुबह से ही बच्चे जो है वो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हुए दरगाहों के अंदर या उन इज्तिमात की ओर जाना शुरू हो चुके हैं, जहां से बड़े बड़े मीलाद के जुलूस बरामद किए जाएंगे। जनूबी कश्मीर से भी इतलात है कि वहां पर बड़े मीलाद के जुलूस बरामद किए जाएंगे और इसी तरीके से श्रीनगर से भी इतला यह है कि श्रीनगर के अंदर रिवायती कार रैली जो पिछले कई सालों से लगातार निकल रही है वो कमरवारी से सुबह 10 बजे शुरू होगी और इसी तरीके से वो शादी और सुम्बल के अंदर इख्ताम पजीर होगी। इधर इतलात के मुताबिक दरगाह हजरत बल के अतराफ अकनाफ में भी ट्रैफिक की नकल हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक इंतजामिया ने माकूल और मुनासिब इंतजाम किए हैं। तस्वीरें आज सुबह नमाज फजर के बाद मोए मुकद्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत के हैं, जब आज हजारों की तादाद में लोग वहां पर जमा रात भर थे और नमाज फजर पर खसूसी दुआओं के बाद मोए मुकद्दस की जियारत कराई गई। हम मोटापुर से आए हैं ईदगाह की साइड से। यौम विलादत बासदी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसको हम ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसी दिन इन आयाम में तशरीफ अशरफ लाए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर, लेकिन उन सब ईदों से बढ़कर हमें ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि कायनात में अंधेरा था, अंदेशा था, कुफ्रिस्तान था, बेदीनी थी, ला मजहब था, जुल्म हो रहा था, इंतहा लड़कियों के साथ, आवाम के साथ जुल्म हो रहा था, दीन के बारे में कोई पता नहीं था, मालूमात नहीं थी और शराब पी रहे थे लोग, बुत परस्त थे। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ ख़त्म किया और हम मुसलमानों के लिए आज ईद है, ताकि हम रसूल अरबी ससम का जश्न बनाते हैं, नाते पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, हुजूर की याद में गुनगुनाते हैं, इसका नाम है ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फजीलत यह है कि अल्लाह ने हुजूर को फरमाया उमा अरसलना का इल्ला रहमतलिल आलमीन, या रसूलल्लाह मैंने आपको रहमत बनाकर भेजा है तमाम जहानों के लिए। देखो एक सिफात है, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और रसूल अकरम रहमतुल आलमीन है, और अल्लाह ने नबी को अपने आप से दूर नहीं रखा है। हम देखते हैं अजान में, तकबीर में,
किसी भी। मैं शालीमार से हूँ और आज की सबसे बड़ी फजीलत है कि आज हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है। 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे और अभी भी हयात है, हम हयाती के साथ हैं और इंशाल्लाह बड़ी मसरत हुई यहाँ पे देख के। बहुत सारे लोग आए नमाज के लिए और शब आज मुकरर हुआ है दरगाह हज़रत बल में और पूरे आलम में शब मनाया जा रहा है। और मदीने पाक में अभी देख रहा था इससे पहले कुछ टाइम पहले, मदीने पाक में भी एक शब मुकरर किया गया है और पूरे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा आज का दिन है पूरे आलम के लिए क्यों रहे। और बड़ी मसरत हो रही है कि बहुत सारे लोग जैसे आप देख रहे हैं ये नहीं वैसे यही मैसेज है, खुदा पर दुआ करते हैं कश्मीर में अमन और शांति बहाल रहे। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें रिश्त परेशान था, तस्वीरें आप देख रहे थे, रात भर शबखानी मुख्तलिफ मकामात पर हुई है और आज फजर पर खुसूसी दुआओं का अहतमाम हुआ। इधर आज पूरे दिन मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जुलूस मीलाद बरामद किए जाएंगे, ट्रैफिक निज़ाम को ट्रैफिक निज़ाम बेहतरी के साथ शहर के अंदर चले, उस सिलसिले में भी तमाम तर